हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं अगस्त के आखिरी पांच दिन के करंट अफेयर कवर करूंगा। 27, 28, 29, 30 और 31 टोटल क्वेश्चंस का नंबर है लगभग 150। हमारे पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज उपलब्ध हैं एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी एग्जाम के लिए। इसके अलावा DSSS का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी और क्लैट के लिए भी। तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं हमारे वीडियोस देखकर, तो फिर आप हमारा पेनड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए हुए तीन नंबर में से कोई भी एक डायल करना होगा या फिर studyiq.com पर जाकर आप उसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इप्सोस मोरी नाम की कंपनी है। इस कंपनी के हिसाब से भारत की उन देशों के अंदर क्या रैंक है जो कंट्री पूरे वर्ल्ड में होने वाले ग्लोबल अफेयर जो भी हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत जो सकारात्मक प्रभाव डालता है उसमें वो कौन से नंबर पे है दुनिया में। भारत है 7वें नंबर पे और चाइना है 8वें नंबर पे, अमेरिका है 9वें नंबर पे, लेकिन नंबर वन कंट्री है कनाडा। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। अमेरिका के बारे में एक दो चीज़ें याद रखिए। अमेरिका में वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो चेक करती है कि कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं ले रहा, उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियाल में, कनाडा में मॉन्ट्रियाल। हालांकि कनाडा की राजधानी है ओटावा और कई और इंपॉर्टेंट कनाडा के अंदर शहर हैं, ब्रिटिश कोलंबिया है, वैंकूवर है, तो ये सब याद रखिए। टोरंटो है जहाँ पे एक वक्त क्रिकेट के मैचेस भी होते थे। और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। अमेरिका जो है ये रडार सिस्टम बना रहा है जिससे वो पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर अच्छी मॉनिटरिंग कर सके, निगरानी रख सके। कौन से आइलैंड के ऊपर बना रहा है? ये आइलैंड है पलाओ। और जो गुआम आइलैंड है इस पे अमेरिका का मिलिट्री बेस है जिसको नॉर्थ कोरिया उड़ाने की धमकी दे रहा है न्यूक्लियर बम से। तो नॉर्थ कोरिया जो है इसके जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं वहाँ के तानाशाह हैं, उनका नाम है किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया में जो मुद्रा चलती है वो है वन, यही मुद्रा चलती है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योनयांग। और एक बात याद रखिए, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है बहुत कम लोगों को पता होता है, उनका नाम है माइक पेंस। इनमें से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जो पांच देशों के अंदर, एशिया पैसिफिक के पांच देश हैं, इनके अंदर मीडिया एजेंसीज को ट्रेन करने के लिए डिजिटल एजुकेशन के अंदर एक स्पेशल इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करा है। पांच देश कौन से हैं ये? इंडिया है, फिर सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और ऑस्ट्रेलिया है। इन पांच देशों के अंदर 11 मीडिया एजेंसीज को ट्रेन करेगी डिजिटल एजुकेशन के अंदर ट्विटर कंपनी। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, ट्विटर पर जो हम ट्वीट करते हैं उसमें कितने अक्षर की लिमिट है? याद रखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ट्विटर पर हम जो लिखते हैं उसमें एक लिमिट होती है अक्षरों की, तो कितने लेटर्स की लिमिट है ट्विटर पर, कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक POS इजी बीमा प्लान बनाया है जो मास मार्केट सेगमेंट को टारगेट करेगा, यानी जो लोग उतने अमीर नहीं है, जो आम जनता है उसको टारगेट करेगा? ये बनाया है कैनेडा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने अपना विदेशी पूंजी निवेश के लिए जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसमें कुछ बदलाव किया है। इसमें अब पहली बार एक चैप्टर, नया चैप्टर जोड़ा गया है, एक नया पाठ जोड़ा गया है। किस चीज़ से रिलेटेड? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पेमेंट बैंक, MFI या स्टार्टअप्स। MFI होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स होते हैं जो नए बिजनेस होते हैं, नवीन बिजनेस होते हैं, इनको करने वालों को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नल बनाया है जिसमें अगर आप समुद्र का पानी डालेंगे तो नमक अपने आप बाहर निकल जाएगा, और ये जो छलनी है, ये जो हमारे बाल होते हैं ह्यूमन हेयर, उनसे 50,000 गुना पतली है ये छलनी, इतने पतली है और सारा पानी बाहर निकाल देगी, सारा जो नमक बाहर निकाल देगी पानी में से। तो ये कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ये बनाया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा गांव है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला फुल्ली कंप्यूटर लिटरेट विलेज बना है, यानी इस गांव में जो कंप्यूटर को लेकर साक्षरता है वो फुल्ली 100% हो गई है, ऐसा करने वाला उत्तर पूर्व का ये पहला गांव है। इस गांव का नाम है नंगथाक तंपक। मैं रिपीट करता हूं, शॉर्ट में याद रखिए NT। और मणिपुर का गांव है ये भी याद रखिए मणिपुर। मणिपुर की फेमस पर्सनैलिटी कौन है? दो हैं। एक तो है इरोम शर्मिला, जिन्होंने काफ़ी लंबा फास्ट रखा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट, और दूसरी है मैरी कॉम, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो ये मणिपुर के बारे में है। बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है कीबुल लमजाओ और दूसरा है मणिपुर में लोकटक नेशनल पार्क और कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे, और वो ये, मैंने आपसे कहा उत्तर पूर्व का, परंतु पूरे भारत का कौन सा है सबसे पहला कंप्यूटर लिटरेट विलेज, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो ये केरल के अंदर है, इसका नाम है चमरावत्तम है केरल में। ये पूरे भारत का सबसे पहला कंप्यूटर लिटरेट विलेज है, और पूरे भारत का पहला डिजिटल विलेज अगर पूछे, देखिए फर्क है, तो डिजिटल विलेज गुजरात के अंदर है, उसका नाम है अकोडरा।
और ये है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, साबरकांठा बोलते हैं जिसे। एच पुरुषोत्तम, इनको IAAM मेडल दिया गया है 2017 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांस मटेरियल स्वीडन द्वारा। ये किसके चेयरमैन है? ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और ये चेयरमैन है NRDC यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, NRDC। और NRDC ने एजोचैम सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता है, ASSOCHM एजोचैम सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड 2017। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिल गया है कि ये 1130 करोड़ रुपए की लागत से एक स्पोर्ट सेंट्रिक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर? ग्रेटर नोएडा है ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर हैं राम नायक। इस कंपनी का नाम है सुपर टेक कंपनी, सेक्टर 27 नोएडा के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाएगी जिसको हम जो नोएडा एक्सटेंशन का पार्ट है। क्रिकेट सिलेक्शन पैनल जो श्रीलंका का है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसके चीफ कौन थे? मशहूर क्रिकेटर भी रह चुके हैं और इनका नाम है सनत जयसूर्या। भारत के हाथों शर्मनाक हार मिली श्रीलंका को, उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया है क्रिकेट सिलेक्शन पैनल ने, और आतिशी बल्लेबाज सनत जयसूर्या थे इसके चीफ। इनमें से हमारे कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च करा BEML का थर्ड लाइन अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहां पे मेट्रो के कोचेज बनेंगे? देखिए, जो मेट्रो होती है ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसका आंसर है अरुण जेटली। याद रखिए, अरुण जेटली अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर बन गई है निर्मला सीतारमन, जो भारत की दूसरी महिला डिफेंस मिनिस्टर है, पहली थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो डिफेंस का पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास था, तो ये कुछ तथ्य याद रखिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसने अनाउंस करा है कि ये अपना यूरेनियम बैंक खोलेंगे। कहाँ पे खोल रहे हैं ये यूरेनियम बैंक? क्या होता है? देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी बनती है वो यूरेनियम से बनती है। दो तरह का यूरेनियम होता है, 235 और यूरेनियम 238। U-238 होता है जो हमें मिलता है प्रकृति में, लेकिन फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है U-235 में। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कई तरह के जो नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले ईंधन हमारे पास उपलब्ध हैं। इसका जो यूरेनियम बैंक बनेगा वो बनेगा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान वही देश है जिसके भारत के साथ 25 साल राजनीतिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक टाइज पूरे हो गए हैं, इसीलिए कजाकिस्तान ने अपना ऑफिस खोला है। कहां पे खोला है? चेन्नई के अंदर। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इनमें से कौन सी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है जिन्होंने अपना रोल आउट करा है दो नए फीचर, एक है इन ऐप चैट और दूसरा है मल्टी डेस्टिनेशन? कहने का मतलब, आप इनकी अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें दो फीचर हैं, इन ऐप चैट और मल्टी डेस्टिनेशन। इस कंपनी का नाम है उबर। अब आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं, यह है आपका दूसरा सवाल। उबर कंपनी के जो नए CEO बने हैं वो पहले एक रेफ्यूजी थे और उनकी बहुत उन्होंने स्ट्रगल कराया लाइफ में। अब वो उनका जो सफर है उबर, इस पे तो एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है कि जो उबर कंपनी के मालिक अब जो है CEO, उनकी लाइफ के ऊपर क्या नाम है उनका, उबर कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, कमेंट्स में लिख के बताइए। टाटा सन्स जो कंपनी है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए और एरोस्पेस के लिए किसे अपना प्रेसिडेंट बनाया है? टाटा सन्स का चेयरमैन अगर पूछूं तो कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन और इन्होंने बनाया है मिस्टर बनमाली अग्रवाल को। पेटीएम जो कंपनी है इन्होंने अपनी पोस्ट कार्ड जो सर्विस है उसका नाम पलट के क्या रख दिया है? इसका नाम रख दिया है लिफाफा। पेटीएम कंपनी किसकी है? विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। और पेटीएम कंपनी किसकी कंपनी है? 197 कम्युनिकेशन की एक कंपनी है पेटीएम। इनमें से भारतीय तटरक्षक जिसे बोलते हैं कोस्ट गार्ड, इसका कौन सा जहाज है जो अभी अभी डीकमीशन कर दिया गया, यानी अभी ये काम नहीं करेगा, इसका जो साइकिल है वो पूरा हो गया है, इसने 30 साल सर्विस दी अपनी, इसका नाम है वरुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसकी जगह कौन सा आया ये भी पूछ सकते हैं, तो इसकी जगह आया है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी कमीशन करा है और वरुण को डीकमीशन करा है। इनमें से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने सिमेंटेक नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है साइबर सिक्योरिटी के लिए? देखिए, आपने नॉर्टन एंटीवायरस जरूर सुना होगा, नॉर्टन एंटीवायरस सिमेंटेक कंपनी का है, तो ये कौन सी कंपनी के साथ, टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये कंपनी है भारती एयरटेल। और अगर पूछूं इस कंपनी का CEO कौन है, बहुत एग्जाम में आता है, गोपाल विट्टल। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी 3-4 कंपनी उनके नाम तो कम से कम CEO के याद रख लीजिए। गोपाल विट्टल है भारतीय एयरटेल के CEO। और ये सीमेंटे कंपनी है कहाँ की? ये अमेरिका की है। इसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं, जो कैस्पर स्काई कंपनी है वो कहाँ की है? आपने जरूर एंटीवायरस डाला होगा कभी, कैस्पर स्काई, ये रशिया की है। इनमें से सिडबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने? ये तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो मुद्रा बैंक भी चलाता है, मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हैं मिस्टर मोहम्मद मुस्तफा।
मोहम्मद मुस्तफा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है? बहुत कम लोग जानते हैं, लखनऊ। इनमें से कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने साफ अंडर 15 चैंपियनशिप जीत ली जो नेपाल के अंदर हुई? नेपाल काफी न्यूज में रहा है अभी अभी। नेपाल के जो जो प्रधानमंत्री हैं, भारत भी आए थे अभी अभी, पिछले हफ्ते ही आए थे, शेर बहादुर देओबा, और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी। हेडक्वार्टर है काठमांडू, और काठमांडू हेडक्वार्टर है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब साफ अंडर 15 चैंपियनशिप जीती है भारत ने ही, और भारत ने नेपाल को ही फाइनल में हराया। इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके गवर्नर है उर्जित पटेल? यह बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूं, इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जरूर आएंगे एग्जाम में, इनका नाम है समित घोष, समित घोष। एयरबीएनबी जो कंपनी है, इन्होंने कौन सी इंडियन एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करी है? एयरबीएनबी इन्होंने पार्टनरशिप करी है जेट एयरवेज के साथ, और याद रखिए ये पहली एयरलाइन पार्टनरशिप है इंडिया के अंदर एयरबीएनबी की, जेट एयरवेज। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, इसने इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो हो गया है 62 लाख। मैं रिपीट करता हूं, अटल पेंशन योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये योजना है क्या? देखिए, अगर आप 18 साल से 40 साल तक की उम्र के हैं तो आप इस योजना को अवेल कर सकते हैं। जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और कितनी पेंशन मिलेगी ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान लिया है। 1000 रुपये से 5000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी। इसमें 62 लाख लोगों ने ये जो योजना है अटल पेंशन योजना इसको अवेल करा है। ये बताइए सबसे ज्यादा अकाउंट कौन से बैंक ने खोले अटल पेंशन योजना में? APY अकाउंट सुविधा कौन से बैंक में? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 51,000 अटल पेंशन योजना अकाउंट है, और इसमें 8% जो अश्योर्ड रिटर्न आपको दिया जाएगा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक नई पॉलिसी बनाई है खादी को प्रमोट करने के लिए? खादी को प्रमोट करने के लिए नई पॉलिसी बनाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की तरह बनाई है, और ये 2018 से लागू हो जाएगी। इनमें से कौन सी कैब एग्रीगेटर कंपनी है जिसने अनाउंस करा है कि वो, ध्यान से सुनिए, 1 सितंबर से अगर इस कंपनी की कोई गाड़ी चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर मर जाता है या इंजर हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा 1 सितंबर से। ये इंश्योरेंस इसने पार्टनरशिप करी है ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये कंपनी है उबर, और जो ओला है इसके CEO हैं भावीश अग्रवाल। तो मेन कॉम्पिटिशन दो ही कंपनी में रहता है, उबर और ओला में, और लगभग उबर में 4.5 लाख ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं टैक्सी उबर की इंडिया के अंदर, याद रखिए। और ये योजना है क्या? देखिए, अगर इसमें डेथ हो जाती है तो, या परमानेंट अपंगता आ जाती है तो 5 लाख, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो 2 लाख रुपए, और अगर कोई OPD एक्सपेंस वगैरह है तो उसमें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है दुनिया का सबसे पहला जीनोम यूस्यूटिकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंडिया? कहने का मतलब, कौन सी कंपनी जीनोमस्यूटिकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भारत को सबसे पहली बार ये बेच रही है, इसको ये इन्होंने लॉन्च करा है? इस कंपनी का नाम है यूनिसिटी इंटरनेशनल। और ये है क्या? ये जीनोमस्यूटिकल, ये पहली बार वर्ड सुना होगा आपने, फार्मास्यूटिकल सुना होगा, उसी तरह जीन कंट्रोलिंग ड्रग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं जीनोमस्यूटिकल। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है उटा में, उटा जो है ये है अमेरिका में, USA। इनमें से कौन सी वेबसाइट है जिसने अपना लोगो चेंज कर दिया है? अगर आप इन वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने देख ही लिया होगा, ये है YouTube ने अपना लोगो चेंज कर दिया, और सब कुछ ही चेंज कर दिया। आप जो कमेंट्स वगैरह भी होते हैं वो भी रीलोड होते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना पड़ता, और बहुत सारी चीज़ें करी हैं YouTube को बेहतर बनाने के लिए। तो YouTube, और अगर YouTube का CEO पूछें तो वो है सुजैन वोज़्सिकी, बस सुजैन याद रख लीजिए, SUSAN। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी अपना फाइनल लाइसेंस RBI से ले लिया है, अब ये बिल पेमेंट्स को प्रोसेस कर पाएगी BBPS के थ्रू, यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू कर पाएगी? ये कंपनी है स्पाइस डिजिटल, और जो स्पाइस डिजिटल कंपनी है इसके CEO हैं साकेत अग्रवाल इसके ग्लोबल CEO हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अनाउंस करा है कि वो एक इको पार्क बनाएगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएगी? जम्मू कश्मीर में। ये मैंने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर में भी कवर किया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, गठबंधन है भाजपा के साथ इनका, और गवर्नर है NN वोहरा। तो ये बनाएगी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें एक बॉटनिकल गार्डन होगा, कैक्टस का गार्डन होगा इत्यादि। जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ज्यादा क्रॉप होती है सैफरन, यानी केसर जिसे बोलते हैं, तो ये भी याद रखिए। इनमें से कौन से IIT भारत के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बाई सेंसर बनाया है, अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी में किसी भी तरह का रोग हो जाता है, तो 8 मिनट से कम में पकड़ लेगा ये सेंसर? कौन से IIT के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ये IIT है बॉम्बे और इंदौर, IIT बॉम्बे और इंदौर। सो आंसर है 2 एंड 3। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने अभी अभी ऑर्गेनाइज करा अपना पहला सिनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस पेंशन, ये कहां पे हुआ? और आप जानते हैं डिफेंस के अंदर वन रैंक वन पेंशन चलती है,
तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, और हमारी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी चंबल ब्रिज का उद्घाटन करा है। कहां पे है ये ब्रिज? आप जानते हैं चंबल नदी है, कोटा इसके किनारे है, तो आंसर है कोटा। राजस्थान में है, कोचिंग वगैरह के लिए काफी फेमस है, और तो ये बस इतना याद रखना है आपको। और ये जो है 195 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी तैयार हो रहा है दिल्ली से जयपुर के बीच में। मैं रिपीट करता हूं, 195 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है दिल्ली और जयपुर के बीच में। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो अब कंप्लीट हो गया है। जो चंबल ब्रिज है ये कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहली बार एक जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें दो कंपनी है जो आपस में एक अमलगमेशन हुआ, एक तरह का यानी मर्जर हुआ है। जो लार्सन एंड टूब्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी कंपनी के साथ विलय हो गया, उसका मर्ज हो गई है। ये पहली बार हुआ है किसी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, अमलगमेशन बोलते हैं इसे। तो ये हुआ है एचडीएफसी एर्गो के साथ। अब ये दोनों मिलकर भारत की थर्ड बिगेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। कौन से राज्य का पर्यटन विभाग है जिसने प्लान करा है कि वो एक दशहरा स्पेशल टूर पैकेज बनाएगा गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन के अंदर? तो आपको अगर पता होगा कि जो गोल्डन चैरियट है ये दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जिसे कर्नाटक की सरकार चलाती है, तो आंसर है कर्नाटका। इनमें से होस्ट सिटी लोगो, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो है उसका होस्ट सिटी लोगो लॉन्च किया गया अभी, तो ये कौन से सिटी के लिए किया गया? ये किया गया कोची के लिए, गुवाहाटी के लिए और गोवा। सो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये भारत में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और फाइनल खेला जाएगा इसका सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में ये कौन से फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने अनाउंस करा है कि वो 1,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे, और ये प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टार्टअप यात्रा, ये स्टार्टअप्स की मदद करेगा? तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार का डिसीजन, जो भी नए उद्योग लगेंगे उनकी मदद के लिए 1,000 करोड़ का वो रखा गया है अमाउंट, और इसमें 15,000 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी और 10,00,000 रुपये पर ईयर तक की मैक्सिमम सहायता प्रोवाइड की जाएगी स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए। इसके लिए इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक अनुबंध किया है, एग्रीमेंट किया है। भारत इनमें से MOU साइन करेगा कौन से कंट्री के साथ? ये दोनों मिलकर जेबू कैटल जीनोमिक्स और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी जानवरों का जो प्रजनन करके हम नए नए जानवर बनाते हैं उन सब में ये देश हमारी मदद करेगा। ये देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील से मोदी जी अभी मिले थे ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर। मिशेल टमेर यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ब्रिक्स समिट हुई थी ZMN के अंदर। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जो एक नाइट टाइम व्हाइट आर्टिफिशियल क्लाउड बना रही है विंडी मिशन के तहत? मैं रिपीट करता हूं, नाइट टाइम व्हाइट आर्टिफिशियल क्लाउड यानी रात्रि में दिखने वाले सफेद रंग के आर्टिफिशियल बादल बना रही है विंडी मिशन, इसका है ये बना रही है नासा। और नासा की फुल, ये जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन विंडी की फुल फॉर्म क्या है? विंडी की फुल फॉर्म है वेव्स एंड इनस्टेबिलिटीज फ्रॉम अ न्यूट्रल डायनामो, वेव्स एंड इनस्टेबिलिटीज फ्रॉम अ न्यूट्रल डायनामो। और बस आप इतना याद रखिए, रोस्कोस्मो से रशिया की एजेंसी, ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की इसरो है, भारत की एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है जिसका जो टेन्योर है वो 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इनका नाम है आशीष चौहान, ये हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री MJ अकबर, इन्होंने अभी अभी उद्घाटन करा नमस्कार अफ्रीका 2017 इंडिया वेस्ट अफ्रीकन ट्रेड एंड एग्जीबिशन फोरम। ये कौन से देश के अंदर इन्होंने लॉन्च करा? ये देश है घाना, और घाना की राजधानी है आकरा, और मुद्रा है सिडी। मुद्रा जनरली नहीं पूछते हैं, कैपिटल ही पूछते हैं सिर्फ, तो ये याद रखिए। अभी अभी केंद्र सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे सरकारी दफ्तरों में, सरकारी यूनिट्स में और सरकारी बैंक्स में एक तरह की पोस्ट क्रिएट की गई हैं समानांतर बनाने के लिए, जिससे ये वाली कैटेगरी बेनिफिट ले सके। अभी कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? ये कैटेगरी है ओबीसी, और ओबीसी जो क्रीमी लेयर है उसकी लिमिट 6,00,000 से 8,00,000 कर दी गई है, ये भी याद रखिए। इनमें से कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने डिसाइड करा है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में जो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं ग्रुप BCD COD उनके लिए इंटरव्यू नहीं रखेगा, यानी इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं? ये किया है उत्तर प्रदेश ने, सो आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, कैलाश मानसरोवर भवन बनेगा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बनेगा कैलाश मानसरोवर भवन, ये भी याद रखिए।
SpaceX जो कंपनी है जिसके CEO हैं एलोन मस्क, और SpaceX का एक मशहूर रॉकेट भी है तो वो भी आप जानते हैं, फैल्कन 9। तो ये SpaceX ने अभी अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, ये इस देश की खुद की सैटेलाइट है। कौन से देश की सैटेलाइट लॉन्च करी है? फॉर्मोसेट 5। फॉर्मोसेट 5 सैटेलाइट है ताइवान की, ताइवान की राजधानी है ताइपी। केंद्र सरकार ने अभी अभी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिशन दे दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU कर सकती है? ये परमिशन मिली है इलेक्शन कमीशन को, यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसे, और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अचल ज्योति। और याद रखिए ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन अभी अभी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुनील अरोड़ा। तो एक हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अचल ज्योति, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। हमारा जो डाक विभाग है उनमें उन्होंने एक MOU साइन करा है, कौन से देश के साथ? ये दोनों मिलके दो डाक टिकट लॉन्च करेंगे दिवाली के उपलक्ष्य में। तो दिवाली के उपलक्ष्य में भारत और कैनेडा मिलकर डाक टिकट लॉन्च करेंगे, भारत और कैनेडा। असम का जो वन विभाग है उन्होंने एक इविक्शन ड्राइव लॉन्च करा है, जिससे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से जो एनक्रोचर हैं उन्हें हटाया जा सके। कौन सी? मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आमचांग। और एक दो चीज़ याद रखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, और 300 घर हैं जो इलीगली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बने हुए थे, इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। अब ये असम वन विभाग इनको तोड़ेगा, इनको हटाएगा। असम के अंदर सोनई रुपई, ये भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मनास नेशनल पार्क है, और ओरांग नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक और है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में है। भारत जो है इन्होंने इनमें से कौन से देश के साथ एक अनुबंध किया है, एक एग्रीमेंट करा है? ये दोनों मिलके रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड इंटीग्रेशन करेंगे, उसके पैरामीटर को इंप्रूव करेंगे, ग्रिड इंटीग्रेशन जैविक ऊर्जा के लिए। तो ये करेंगे जर्मनी के साथ, और ये इंडो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम के थ्रू किया जाएगा, IGEN। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्कल। सरकार ने अभी अभी एक डाउनवर्ड रिवीजन करा है इन द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग 1.8 करोड़ हाउसेस फॉर अर्बन पुअर बाय 2022। कहने का मतलब, देखिए सरकार ने स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें टारगेट ये था कि हम जो गांव वाले इलाके हैं उनमें 4 करोड़ और शहर वालों में 2 करोड़, यानी टोटल घर बनाएंगे 6 करोड़ 2022 तक। ठीक है, अब जो ये 1.8 करोड़ घर बनाने हैं हमें अर्बन पुअर के लिए, ये टारगेट इन्होंने और कम कर दिया है। अब ये नया टारगेट क्या है? नया टारगेट है इनका 1.2 करोड़। अभी BMW वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई स्कॉटलैंड के अंदर, एक शहर है जिसको बोलते हैं ग्लासगो, हालांकि स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, यूके का हिस्सा है। यहाँ पे वुमेन सिंगल्स के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता नोजोमी ओकुहारा ने, और इन्होंने हराया पीवी संधू को फाइनल में, और ये फाइनल बहुत ही जबरदस्त था। ब्रॉन्ज मेडल जीता सायना नेहवाल ने और चेन यूफी ने, दो प्लेयर्स को मिला ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल मिला पीवी संधू को, और गोल्ड मेडल मिला नोजोमी ओकुहारा जो है जापान की। मशहूर एक्टिविस्ट सुमितेरू तानीगुची, इनका निधन हो गया। ये कौन सी चीज के लिए लड़ते थे, ये कौन सी चीज के खिलाफ एक्टिविज्म करते थे? ये लड़ते थे न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी देशों को बताते थे कि न्यूक्लियर हथियार हमें कम करने चाहिए, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। ये वैसे नागासाकी के सर्वाइवर थे, नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था अमरीका ने, उसके सर्वाइवर थे ये। भारत ने अभी अभी कंडक्ट करा फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कंसल्टेशन, कौन से देश के साथ, यानी हमारी विदेश नीति और सुरक्षा नीति के पे कंसल्टेशन इन्होंने किया अभी अभी यूरोपियन यूनियन के साथ, EU के साथ, और ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। इनमें से UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर है लीक मार्टेंस, याद रखिए। और जो ये कौन से देश की हैं ये भी पूछ सकते हैं, ये नेदरलैंड की हैं, नेदरलैंड। और मेंस में मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द ईयर, ये खेलते हैं रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए, जो स्पेन का फुटबॉल क्लब है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और पुर्तगाल के कप्तान है फुटबॉल के। इनमें से कौन सी पहली सिख महिला बनी जिसे नासा ने सिलेक्ट करा अपने 2030 मिशन के लिए, मंगल ग्रह पे जो नासा मिशन करेगा उसके लिए पहली सिख महिला सिलेक्ट हुई है नासा में, इनका क्या नाम है? इनका नाम है जसलीन कौर जोसान। और जो चलिए अब एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट, आंसर नहीं बताऊंगा। पैगी विट्सन का कौन सा रिकॉर्ड है, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। पैगी विट्सन, चीन ने अनाउंस करा है कि वो 6000 नॉन कोल माइंस अपनी क्लोज कर रहा है, कौन से साल तक? ये क्लोज करेगा 2020 तक, क्योंकि जो माइंस हैं ये खतरनाक हैं,
इसीलिए जो सिक्योरिटी पर्पज से जो वर्कर काम कर रहे हैं एक्सीडेंट्स उनके डेथ काफी कॉमन है इसलिए करेगा। तो आंसर है 2020। इनमें से कौन से फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं जिन्होंने बेल्जियन ग्रां प्री जीत ली है? जो बेल्जियम देश है इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस ड्राइवर ने बेल्जियन ग्रां प्री जीती है उनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ये यूके के हैं और ये इनकी पांचवी जीत है इस सीजन की। अभी अभी किसने लॉन्च करा नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल नई दिल्ली के अंदर? नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल क्या है? खिलाड़ियों में जो प्रतिभा है उसको पहचानने के लिए एक पोर्टल है, तो ये लॉन्च किया वेंकैया नायडू ने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति होने की हैसियत से राज्यसभा के चेयरमैन ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होने चाहिए इसके खिलाफ जो हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं वो किस दिन मनाते हैं? हम मनाते हैं 29 अगस्त को, 29 अगस्त याद रखिए। अरुण जेटली ने अभी अभी इनॉग्रेट करा अस्त्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये उन्होंने करा भानूर के अंदर तेलंगाना में। जो अस्त्र है ये कौन सा मिसाइल सिस्टम है? ये है एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में ही ये मारेगा, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसका नाम है अस्त्र। इसे डेवलप करा डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर एस क्रिस्टोफर। ये 110 किलोमीटर की रेंज में हेड ऑन मोड में और 20 किलोमीटर में टेल चेज मोड में ये मार गिराने की क्षमता रखता है। अभी अभी सीईओ किसे बनाया गया है उबर कंपनी का? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, खैर इनका नाम है दारा खोसरो वाशाई और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को में है। इससे पहले ये एक्सपीडिया कंपनी के बॉस थे, एक्सपीडिया। रिजाइन किसने करा ये भी पूछ सकते हैं, रिजाइन करा था ट्रेविस कालानिक ने लगभग 4 महीने पहले, ट्रेविस कालानिक जो पहले उबेर के सीईओ थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, उन्होंने अभी अभी डिपॉजिट करा कितना सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्कीम के तहत? ये सोना है 2780 किलो, यानी तिरुपति जो मंदिर है बालाजी का, उन्होंने 2780 किलो सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखवाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जो पैसा है वो जो सोना है वो चढ़ाया जाता है तिरुपति में। डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, अब तो नहीं है तो डिफेंस मिनिस्टर हटा देता हूं। अरुण जेटली जो है इन्होंने अभी अभी इनॉग्रेट करा एक रॉकेट मोटर स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी भारत डायनामिक्स लिमिटेड में, कहां पे किया इन्होंने? ये इन्होंने किया तेलंगाना में। अब पूछें अगर तेलंगाना में कहां किया, तो ये किया इब्राहिमपट्टनम में। इब्राहिमपट्टनम ये हैदराबाद के पास है। एक और चीज, इब्राहिमपट्टनम को इब्राहिमपुरा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इब्राहिमपुरा जो है ये साउथ इंडिया का पहला कैशलेस विलेज था। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करा है एक प्रोग्राम जिससे जो सरकारी स्कूल है इस राज्य के उनमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं उनको डिस्पोज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? और ये किया केरल की सरकार ने, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पी सदाशिवम यहाँ के गवर्नर हैं। लगभग 12,500 किलो वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है, वो इसको डिस्पोज किया जाएगा। 56वां सालाना 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ अभी अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में ही है इसरो का हेडक्वार्टर। तो ये सब तथ्य याद रखिए। और इसको अटेंड किया था मिस्टर बीएस धनुआ ने, जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल। सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने वाली कंपनी फ्रेयर एनर्जी, उसने टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ? ये अपने कस्टमर्स को लोन देगा, ये लोन होगा 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का 5 साल के लिए। ये बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो हैं शिखा शर्मा, और ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फ्रेयर एनर्जी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सौरभ मारडा, MARDA, सौरभ मारडा। ब्रिक्स इनोवेटिव कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से कौन सा देश है जो पहला है नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस में 2016 के लिए? ये देश है चाइना। यानी जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस है, इनोवेशन होता है नया कुछ करना, नई तकनीक, तो उसमें 2016 के लिए नंबर वन है ब्रिक्स कंट्रीज में चाइना। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने डिसाइड करा है कि वो अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को अलाउ कर देगा कि वो बल्क और ब्लॉक ट्रेड्स में जो डिस्क्लोजर है उन्हें सबमिट कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं अब 8 सितंबर से? ये अभी अभी अनाउंस करा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ENIT इसका नाम रखा गया है। ENIT मतलब इलेक्ट्रॉनिक NSE इंटरफेस फॉर ट्रेडिंग मेंबर। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो मंत्री हैं मनेका गांधी, इन्होंने अभी अभी नेशनल लेवल अवार्ड दिए 2016-17 के लिए 51 आंगनवाड़ी वर्कर को। कौन सी स्कीम है ये, किसके तहत दिए गए? ये स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, भारत में लगभग 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं। दो दिवसीय इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई अभी अभी, जो हिंद महासागर है उसकी, ये कहां पे हुई, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये अभी अभी कंडक्ट की गई कोलंबो में, कोलंबो है श्रीलंका में। इसका थीम था पीस यानी शांति, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी, पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी अभी एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM ये अभी अभी भारतीय नेवी को दी गई। ये कौन से देश के साथ मिलकर भारत ने बनाई है? भारत ने इसको इसराइल के साथ मिलकर बनाया है, इसराइल के साथ मिलकर। और एक चीज और याद रखिए, हमारे जो नेवी के चीफ हैं वो हैं सुनील लंबा। इनमें से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने अपनी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है IRNSS-1H, लेकिन ये फेल हो गई? तो ये एक आसान सवाल, मैं समझता हूँ, इसकी जो हीट शील्ड है वो फेल हो गई, इसमें आग लग गई और ये फट गई। ये था इसरो का मिशन, इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन है? AS किरण कुमार। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने इम्पोज करा है 5 साल का एंटी डंपिंग ड्यूटी सोडियम नाइट्राइट इम्पोर्ट। कौन से देश से हम खरीदते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसका आयात करते हैं, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए, ये लगाइए चाइना पे, चीन के ऊपर लगाइए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ स्किल्ड पीपल नाम का एक ये रजिस्ट्री बनाना चाहती है? तो ये किया इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाई स्कूल कुट्टी कुट्टम प्रोग्राम ये कौन से राज्य में अभी अभी चलाया गया है? हाई स्कूल कुट्टी कुट्टम ये चलाया गया है केरल में, और इसका एम ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें एनिमेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, साइबर सेफ्टी इनमें के बारे में सिखाया जाए। 60,000 बच्चों का टारगेट किया गया है। इनमें से कौन सा भारत का कॉमोडिटी एक्सचेंज है जिसने लॉन्च करा दुनिया का पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डायमंड्स के अंदर, डायमंड्स के अंदर? तो ये किया है इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ने, जिसको बोलते हैं ICEX। पांचवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी OSI का कहां पे हुआ था? अभी ओशियन सोसाइटी, ये इंडियन ओशियन वाला नहीं है, ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। ये अभी अभी हुआ तिरुवनंतपुरम में, जिसका पुराना नाम था त्रिवेंद्रम, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केंद्र सरकार ने अप्रूव करा है 100% स्ट्रेटेजिक सेल अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ वट, यानी कि इनमें से केंद्र सरकार कौन सी कंपनी है जो पूरी बेच रही है और इसका पूरा कंट्रोल भी देगी, जिसको बेचेगी उसको। ये बेच रही है अभी अभी, जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL। इसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। कितने मेडल भारत ने जीते? भारत की जो टीम गई थी 14वें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो पेरिस में हुई, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में 36। अहमदाबाद को इस साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था, एशिया में थर्ड सिटी है जिसको ये दर्जा दिया गया। सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली में, फिर चाइना में, इटली में है 53, चाइना में है 52। भारत ने टोटल मेडल जीते 0, एक भी नहीं जीता, 24 रेसलर गए थे याद रखिए, तो ये काफी एक निराशाजनक प्रदर्शन था। कौन सा ऐप है जिससे NADA और NAPPA ये एथलीट्स की मदद कर पाएंगे, ये उनको वो करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी दवाइयां वो ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते? कई बार खिलाड़ियों को पता ही नहीं होता ये दवाई बैन है, तो उसके लिए नाडा और NPPA मिलके एक उन्होंने ऐप बनाई है। इस ऐप का नाम रखा है फार्मा जन समाधान। अभी अभी किसे ब्रिजस्टोन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रिजस्टोन इंडिया, ये है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु, और ये ओलंपिक्स में किससे हारी थी? कैरोलिना मारिन, जो स्पेन की है। अमेरिका के मशहूर डायरेक्टर टॉब होपर, इनका निधन हो गया। ये किस तरह की फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे? ये बनाते थे भूतों की फिल्में यानी हॉरर फिल्म्स। इनकी एक मूवी आपको बता देता हूं जो बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं टेक्सास चेन सो मैसेकर। अभी अभी किसने उद्घाटन करा एक 9 दिवसीय कैंपेन जिसका नाम है क्लीन सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी नई दिल्ली के अंदर? इसका उद्घाटन किया थनवर चल गहलोत जी ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको ब्रह्मा कुमारी जो आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं ब्रिक्स बैंक को, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने अभी अभी अप्रूव करा एक लोन $1.4 बिलियन का लोन। ये काफी बड़ा लोन है, 10,000 करोड़ रुपए का लोन है ये। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया है। कौन से देश को देगा ये लोन? ये कौन से देश को मिलेगा? ये मिलेगा इंडिया, रशिया और चाइना, सबको। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। भारत को मिलेगा $470 मिलियन का लोन। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के जो गांव हैं उनमें जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है उसके लिए मिलेगा, और इसके प्रेसिडेंट है KV कामत। तो भारत को मिलेगा 470 का इसमें से, और मध्य प्रदेश के गांव के लिए मिलेगा पानी के लिए, ये याद रखना है आपको।
अभी अभी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एंटरप्राइज सर्वे ऑफ इंडियन स्टेट। ये किसने रिलीज करी है? इसको रिलीज करा है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने यूएस जो है इसने अभी अभी इंपोज करा है स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल सैंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कौन से देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध आर्थिक सैंक्शन लगा दिए। तो ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला यानी अब कोई भी बैंक इनके साथ कोई डील नहीं करेगा। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास, ओपेक का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये हिस्सा है, और वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोलीवार। चौथा, भारत और तंजानिया का जॉइंट ट्रेडिंग कमेटी मीटिंग अभी अभी हुआ। कहां पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, और डोडोमा है इसकी राजधानी, जो तंजानिया है इसकी राजधानी है डोडोमा। एक चीज याद रखिए, तंजानिया के अंदर है माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इनमें से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 350 गोल मार दिए लालीगाई? लालीगा बोलते हैं स्पेनिश फुटबॉल लीग को। ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं और इनका नाम है लियोनल मेसी। इनका देश है अर्जेंटीना। सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने 3 साल की डील साइन करी है कौन सी टीम के साथ, यानी इस गाड़ी बनाने वाली कंपनी की गाड़ी चलाएंगे सेबेस्टियन वेटल। ये चलाएंगे अब फरारी की गाड़ी, तो स्कुडेरिया फरारी। और ये फरारी जो है ये इटली की कंपनी है, जर्मन ब्रांड भी बहुत फेमस है, तो मर्सिडीज जो है ये जर्मनी का ब्रांड है, बस इतना याद रखिए। और एक दो ड्राइवर आपको और बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। फरारी के ड्राइवर एक और है किमी रैकनन, KIMI किमी रैकनन। मर्सिडीज चलाते हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने अभी अभी रेस भी जीती थी, लुइस हैमिल्टन। और वल्तारी बोतास ये भी चलाते हैं मर्सिडीज। और रेडबुल चलाते हैं डेनियल रिकियार्डो और मैक्स वर्स्टैपेन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है हाउस होल्ड फाइनेंस के ऊपर, इसका चेयरमैन किसे बनाया है? इसके चेयरमैन बने हैं मिस्टर तरुण रामादोराय। तरुण रामादोराय, इसने अपनी अभी अभी रिपोर्ट दी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ने मनाया, और इसके मंत्री थे कलराज मिश्रा, अब इनका रेजिग्नेशन ले लिया गया है, तो ये 30 अगस्त को मनाया। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, नए मिनिस्टर कौन बने हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कमेंट्स में लिख के बताइए। नीति आयोग जो है ये सम्मानित कर रहा है कितनी महिलाओं को, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 जो नई दिल्ली के अंदर होंगे। टोटल महिलाएं हैं 12। और इसमें एक चीज और याद रखिए कि नीति आयोग के जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं जिन्होंने अरविंद पंगरिया से टेक ओवर किया था, और प्रधानमंत्री मोदी हैं चेयरमैन। सरकार नोटिफाई किया है, सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, तो एक कौन से इशू से निपटने के लिए किया है? ये इशू है बैड लोन्स। तो आप जानते हैं बैड लोन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 अकाउंट आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन है जो आउटस्टैंडिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट करा हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ रुपये के, कौन से राज्य के लिए? यहाँ पे हाईवे बनेंगे 15,000 करोड़ रुपये की लागत से, ये राज्य है राजस्थान, जहाँ पे सरिस्का है, रणथंबोर, भरतपुर की ओलाडियो और डेजर्ट नेशनल पार्क। तो राजस्थान, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वसुंधरा राजे हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। जस्टिस दीपक मिश्रा ये भारत के नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? इन्हें शपथ दिलवाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये बने हैं भारत के 45वें चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायमूर्ति। ये 13 महीने के लिए बने हैं और 2 अक्टूबर 2018 को इनकी टेन्योर एक्सपायर हो जाएगी। जस्टिस जे एस गहर है आउटगोइंग चीफ जस्टिस। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द एनफोर्स डिसअपियरेंसेज, ये अभी अभी कब ऑब्जर्व किया गया? कहने का मतलब वो लोग जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेज, यानी एक तरह का ये वो लोग जो गायब कर दिए जाते हैं और जिनका मर्डर कर दिया जाता है, जो गायब कर दिए जाते हैं, उनके विक्टिम जो हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, और ये 2011 में पहली बार मनाया गया था। सो आंसर है 30 अगस्त। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा है ऑल इंक्लूसिव डीजी POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन? डीजी पॉइंट ऑफ सेल मशीन लॉन्च करने वाला बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। इनमें से चावल की कौन सी वेराइटी है जो वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल का चावल है ये, इसको अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस मिल गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस मिलता है इसके जो राइट इश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चावल है गोविंदो भोग चावल, गोविंदो भोग चावल, और ये खासकर जो बर्दवा डिस्ट्रिक्ट है वहां का चावल है ये। भारत की तरफ से दार्जिलिंग की चाय पहला प्रोडक्ट था जिसे मिला था ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस। भारत ने अभी अभी साइन करे कितने MOU
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ जब वो भारत आए थे। टोटल एमओयू साइन हुए हैं 8। केंद्र सरकार ने अपना अप्रूवल दे दिया है एक ऑर्डिनेंस जिससे वो जीएसटी को अमेंड होगा, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ कंपनसेशन सेस जो है मोटर व्हीकल्स के ऊपर वो 15% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है इस संशोधन के तहत, ये कर दिया गया है 25%। ये उन मोटर व्हीकल्स के लिए किया गया है जो 13 से ज़्यादा लोग जिसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो ये भी याद रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये एक ऑर्गेनाइज कर रही है पूरे भारत में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर। ये कौन सा स्कीम है, कौन सा इनिशिएटिव है ये? इसका नाम है हस्तकला सहयोग शिविर, हस्तकला से। और टेक्सटाइल मिनिस्टर अब ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, इनका नाम है स्मृति ईरानी। इनमें से भारत की कौन सी सेना है जिसने कंपलसरी कर दिया है कि अब जो भी नए लोग आएंगे उनको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? तो अब ये आप समझ सकते हैं, ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है ये पूरी हमारी रक्षा करती है चाइना से जो बॉर्डर है उसकी, लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का ज़्यादा ये बॉर्डर है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आर के पचनंदा, जो चीफ हैं वो हैं आर के पचनंदा। इनमें से कौन सा देश है जिसने ऑर्गेनाइज करा एक माइग्रेशन समिट जिसमें यूरोपियन और अफ्रीकन लीडर्स में ये चर्चा हुई कि हम जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं उनके साथ क्या करें, जैसे रोहिंग्याज वगैरह हैं, दूसरे तरह के इमिग्रेंट्स भी हैं उनके साथ क्या किया जाए, उन पर चर्चा हुई, रेफ्यूजी क्राइसिस पर चर्चा हुई। ये ऑर्गेनाइज करा फ्रांस ने, फ्रांस के राष्ट्रपति इनको आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के इतिहास में सबसे यंग राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इनकी पार्टी का नाम है एन मार्श। जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एरोनेट। ये एरोनेट सॉफ्टवेयर किस चीज़ से संबंधित है? ये सॉफ्टवेयर संबंधित है इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से संबंधित है। इसमें जो इलेक्टोरल रोल है उनमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से कैंडिडेट के नाम इंक्लूड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, ये सब जानकारी मिलेगी। असम, नागालैंड और मेघालय में लॉन्च किया गया है ये, और हमारे अचल ज्योति हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। एक भारतीय मूल का बच्चा है जिसे यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट आईक्यू मिला है मेंसा आईक्यू टेस्ट में 162, कहते हैं आइंस्टाइन और आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव गर्ग, बच्चे का नाम है ध्रुव गर्ग, स्टीफन हॉकिंग वगैरह से भी ज़्यादा है ये आईक्यू। इनमें से कौन सा एम्फीबियस डॉक लैंडिंग शिप है अमेरिका का जो अभी अभी गोवा में आया 15वीं मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के तहत? गोवा के अंदर कौन सा अमेरिका का जहाज आया, ये एम्फीबियस डॉक लैंडिंग शिप है, इसका नाम है यूएसएस पर्ल हार्बर। और ये इंडियन नेवी के साथ कई तरह का एक वॉरफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। एक और चीज़ याद रखिए, अमेरिका का निमिट्स क्लास जो जहाज है निमिट्स, इसने जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया के और जापान के जहाज के साथ। इनमें से क्या नाम रखा है डेटाबेस का, ऑल इंश्योरेंस सेल्स पर्सन इन इंडिया बीइंग लॉन्च्ड बाय IRDAI। कहने का मतलब, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अभी भारत में जितने भी इंश्योरेंस बेचने वाले सेल्समैन हैं उनका डेटाबेस बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है एनवॉय। और IRDAI के चेयरमैन कौन है, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, इनका नाम है TS विजयन। EESSL एनर्जी एफिशिएंसी जो लिमिटेड कंपनी है EESL, इन्होंने अभी अभी अनाउंस करा है कि ये प्रोक्योर करेंगे कितने स्मार्ट मीटर स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश में, कितने स्मार्ट मीटर खरीदेंगे ये। टोटल ये खरीदेंगे 50,00,000 स्मार्ट मीटर। और एनर्जी एफिशिएंसी सेवर्स लिमिटेड जो कंपनी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सौरभ कुमार और चेयरमैन है KK शर्मा। एक स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है ये कंपनी जिसका नाम है उजाला, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसके तहत 77 करोड़ बल्ब बदले जाएंगे पुराने LEDs से। इनमें से कौन से बैंक के साथ NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी जो महारत्न कंपनी है उसने एक लोन एग्रीमेंट किया है 3,000 करोड़ रुपए का? ये बैंक है ICICI बैंक, इसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। इनमें से अभी अभी किस व्यक्ति को बीजू पटनायक अवार्ड मिला है, बीजू पटनायक अवार्ड साइंटिफिक एक्सीलेंस 2016 के लिए, ये मिला है प्रोफेसर दिगंबर बहेरा को। और समंता चंद्रशेखर अवार्ड मिला है 2016 के लिए प्रोफेसर स्वप्न मोहपात्रा को, प्रोफेसर बंसीधर मांझी को और प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा को। मैं रिपीट करता हूँ, जो ऊपर के तीन प्रोफेसर हैं इनको मिला है समंता चंद्रशेखर अवार्ड और प्रोफेसर दिगंबर बहेरा को मिला है बीजू पटनायक अवार्ड। ये इनको देने वाले अवार्ड हैं इन्हीं के बेटे नवीन पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर SC जामिर। एक और बात याद रखिए, उड़ीसा में सिमलीपल भीतरकनिका नेशनल पार्क है, तो ये दोनों नाम याद रखिए। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस कराया कि वो ट्रांसजेंडर को
अपने देश में मिलिट्री सर्विस में नहीं आने देगा, तो बैन है। ट्रांसजेंडर जो हैं ये मिलिट्री सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, ये अनाउंस करा है यूएसए ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कराई है। ओबामा ने अलाउ कर दिया था जून 2016 में, लेकिन अब ट्रंप आ गए, इन्होंने मना कर दिया। इनमें से कौन सा हरिकेन है जो अभी अभी अमेरिका में आया टेक्सास के अंदर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हार्वे। एक और बताता हूं, इरमा, ये भी याद रखिए, इरमा, इरमा अभी अभी फ्लोरिडा वगैरह में आ रहा है और ये काफी ज्यादा ताकतवर है, कैटेगरी 5 है। हार्वे तो कैटेगरी 3 था, तब उसने इतना बुरा हाल कराया टेक्सास ह्यूस्टन वगैरह में, इरमा तो और भी ज्यादा ताकतवर है, कैटेगरी 5 है ये। तो इरमा और हार्वे दोनों हैं अमेरिका में, इरमा पुर्तो रिको में भी आएगा। अगले हाई कमिश्नर भारत के साइप्रस के अंदर कौन बने हैं, उच्च आयुक्त, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, राजदूत कह सकते हैं आप, ये बने हैं डॉक्टर आर के राघवन, और ये पहले सीबीआई के डायरेक्टर थे, ये सीबीआई के डायरेक्टर थे और गोधरा कांड जो हुआ था उसमें यही थे इंचार्ज जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। इनमें से किस व्यक्ति को दोबारा अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ईस्टर्न एरिया लोकल बोर्ड का मेंबर, आरबीआई के ईस्टर्न एरिया लोकल बोर्ड का मेंबर, इनका नाम है नचिकेता मधुसूदन मोर। नचिकेता मोर कमेटी आपने सुनी होगी, तो नचिकेता मधुसूदन मोर। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है पुनीत चटवाल, पुनीत चटवाल, और ये मिस्टर राकेश सरना से, राकेश सरना अब आउटगोइंग है, उनकी जगह लेंगे मिस्टर पुनीत चटवाल। ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इनॉग्रेट करा अपना ओशियन फॉरकास्टिंग सिस्टम, इनमें से कौन से कंट्री के लिए, यानी ये इस देश की मदद करेगा अगर कोई समुद्र में कोई सुनामी या इस तरह की कोई चीज आती है तो उसमें ये पहले सूचना देगा, ओशियन फॉरकास्टिंग सिस्टम। ये लॉन्च करा कोमोरोस, मादागास्कर, मोजाम्बिक, तीनों के लिए। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी पोर्ट मोरेसबी में, जो पोर्ट गिनिया की राजधानी है, पोर्ट गिनी जिसे बोलते हैं, और इनकी कॉन्फ्रेंस का नाम था RIMES, राइम्स। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, MORONI, मोरोनी। मादागास्कर की अंतानानारिवो और मोजाम्बिक की है मापुतो। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने अभी अभी ओपन करा एक C-130J सुपर हरकुलिस साइमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर, ये इन्होंने करा लॉन्च हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन पे। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने किया है, ये कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका। जापान के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने खोजा है अभी अभी एक लो कॉस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, यानी कहीं पर अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो ये बता देगा। तो ये इन्होंने जो खोजा है ये कौन सा है, ये एक लो कॉस्ट इंडिकेटर, ये है मॉस, MOSS, मॉस। अहमद खान, इनका निधन हो गया, ये कौन सा खेल खेलते थे, तो अपने टाइम में बहुत ही महान भारत के फुटबॉल खिलाड़ी थे। सो आंसर है फुटबॉल, और ये भारत की जो फुटबॉल टीम है जिन्होंने 1951 के पहले एशियाई खेल हुए थे जो उनमें गोल्ड मेडल जीता था, उस टीम के हिस्से थे। साइंटिस्ट, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के भारत के हैं जिन्होंने एक इथेनॉल बनाया है, जो कॉटन स्टॉक हम फेंक देते हैं, रुई के जो स्टॉक है उन्हें फेंक देते हैं, उनसे इथेनॉल बनाने की तकनीक ईजाद करी है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है NIIST तिरुवनंतपुरम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। केंद्र सरकार ने अप्रूव करा है एक MOU, इनमें से कौन से देश के साथ, ये अब जो अर्थक्वेक में यानी भूकंप से वो पगोड़ा जो पूजा की जगह होती है जो टूट जाते हैं जो डैमेज हो जाते हैं उनको कंजर्व करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, ये देश है म्यांमार। नरेंद्र मोदी जी आप जानते हैं ब्रिक्स के बाद म्यांमार की यात्रा पे हैं 3 दिवसीय, तो ये आप याद रखिए, और म्यांमार की राजधानी है ने पी डाओ, और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और इसकी पुरानी राजधानी थी रंगून, तो ये सब तथ्य याद रखिए। पगोड़ा में भूकंप से टूटे हुए जो आर्किटेक्चर है उनको कंजर्व करेगा भारत और म्यांमार मिलकर, इसके लिए MOU साइन हुआ है। इनमें से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सोशल सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का सोशल सेक्रेटरी ये अपॉइंट किया गया है रणधीर कुमार जायसवाल को, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे बस याद रखना है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अर्बन फुलफिलमेंट सर्विसेज को एक्वायर कर लिया है, ये क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन से, ये एक्विजिशन किया है HCL टेक्नोलॉजी में, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, नोएडा, और इस कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं सी विजय कुमार, लेकिन चेयरमैन हैं शिव नदार। CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने, इसके चेयरमैन हैं बनाजा सरना, और CBDT के हैं सुशील चंद्र। CBEC ने अनाउंस करा है कि बैंक्स जो सोने का आयात कर रहे हैं
और प्रेशियस मेटल यानी कीमती पत्थरों का, कीमती धातुओं का आयात कर रहे हैं, अब उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? इन्हें देना पड़ेगा 3%। स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल, खेल मंत्री विजय गोयल, इन्होंने अनाउंस करा है कि ये पहला अध्याय होगा रूरल गेम्स का, ग्रामीण खेल महोत्सव। तो ये कहां से शुरू होगा, किक स्टार्ट कहां से करेगा? ये किक स्टार्ट करेगा दिल्ली से, और इसका पर्पज ये है कि गांव में जो खेल है, रेसलिंग, डोमेस्टिक खेल, रेसलिंग है, कुश्ती है, इन्हें प्रमोट करना। और अभी एक नए हमारे मिनिस्टर ऑफ जो स्पोर्ट्स बने हैं यूथ अफेयर के लिए, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हिसाब से भारत और चाइना, इन्होंने अभी अभी कहां से अपनी फौज हटा ली है। जो फेस ऑफ था वो था डोकलाम में, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है भूटान और चाइना के बीच में। जो सरकार है हमारी, केंद्र सरकार, उन्होंने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी है। आपका जो आधार है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है पैन, उसे आधार से लिंक करना है, इसके लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन क्या है? नई डेडलाइन है 31 दिसंबर 2017। इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिन्होंने नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी HDFC ERGO के साथ एक पार्टनरशिप करी है? इस कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी है इट्स कैश। अब आपके लिए आपका पांचवा सवाल, कौन सी पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनी के CEO हैं बिपिन प्रीत सिंह? कमेंट्स में लिख के बताइए। अभी अभी जो राजीव महर्षि हैं, उनकी जगह होम सेक्रेटरी के तौर पर किसने ली है? और राजीव महर्षि बन गए हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, इनकी जगह ली है राजीव गाबा ने। सो आंसर है राजीव गाबा। इन्होंने होम सेक्रेटरी एज अ ज्वाइन किया है एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो याद रखिए राजीव गाबा, और राजीव महर्षि बन गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 29 अगस्त को मनाया गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये किसका जन्मदिन होता है? ये जन्मदिन होता है मेजर ध्यानचंद का, जो हॉकी का जादूगर जिन्हें बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद। 3 गोल्ड मेडल भारत को जितवाए थे इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में। इन्हें पद्म भूषण मिला 1956 में। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस कराया कि वो अपना एक पब्लिक वाईफाई प्रोग्राम चलाएगी इंडोनेशिया में, यानी पब्लिक को फ्री वाईफाई देगी इंडोनेशिया के अंदर? तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है गूगल। और इनके इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है गूगल स्टेशन। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कौशल विकास का प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है युवा। इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिलकर। किसके साथ ये इन्होंने शुरू करा है? दिल्ली पुलिस के साथ। दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 32,000 करोड़ रुपए का डिमांड इन टैक्स, एक तरह का इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई है। ये कौन सी कंपनी के ऊपर लगाई है 32,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी? ये लगी है हचिनसन के ऊपर। इन्होंने जो अपने कैपिटल गेन्स किए थे, अपना बिजनेस वोडाफोन को बेचा था 2007 में, उसके लिए ये लगाई है इन्होंने। पहले इनके ऊपर लगभग 7,990 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड लगाया था, लेकिन अब ये है 32,320 करोड़। वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ये टॉप शेयर होल्डर बन गई। इनमें से कौन सी बैंक की? इन्होंने इस बैंक के 700 मिलियन शेयर खरीद लिए हैं। ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है $16.51 बिलियन की, यानी लगभग ये आप कह सकते हो 90,000 करोड़ रुपये के आसपास, 92,000 करोड़ रुपए की। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के हिसाब से जो पहला महीना था जीएसटी का, उसमें कितना आमदनी सरकार की हुई जीएसटी से? 1 जुलाई से लागू हुआ था तो पूरे जुलाई के महीने में यह कमाई हुई 92,283 करोड़ की। टारगेट रखा था 91,000 करोड़ का, पर उससे भी ज्यादा यह अचीव हुआ है। और अगेन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने अनवील किए 100 डिजिटल विलेजेस, 100 ब्रांचेस और 100 ATM इनिशिएटिव। कौन से बैंक का इनिशिएटिव है ये कि वो 100 डिजिटल विलेज बनाएंगे, 100 ब्रांचेस खोलेंगे नई और 100 ATM लगाएंगे? ये इनिशिएटिव है विजया बैंक का। इसके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किशोर कुमार संसी। एक पार्लियामेंट्री पैनल बना है अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, जिसने अपनी रिपोर्ट अभी प्रेजेंट करी राज्यसभा चेयरमैन को। राज्यसभा चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, तो ये होंगे वेंकैया नायडू। इसकी हेड कौन थी? इसकी हेड थी कांग्रेस की पॉलिटिशियन रेणुका चौधरी। और जो GM मस्टर्ड कंट्रोवर्सी है, इससे रिलेटेड ये पैनल था। DGFT ने अभी इम्पोज करा है एक बैन गोल्ड और सिल्वर का, यानी भारत अब सोना और चांदी इस देश से नहीं खरीद सकता।
तो ये कौन सा देश है? ये देश है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल और प्रेसिडेंट है मून जाए इन. मून जाए इन. रिजर्व बैंक के हिसाब से 15.44 लाख करोड़ का जो डीमोनिटाइज करेंसी था उसका कितना वापस आ गया है? टोटल जो वापस आया है वो आया है 99%. तो इससे ही पता चलता है कि जो डीमोनिटाइजेशन कह रहे थे ब्लैक मनी को खत्म करेगा, सारा तो वापस आ गया है. तो डीमोनिटाइजेशन इस केस में यानी ब्लैक मनी के केस में एक फेलियर साबित हुआ है. इंडिया की पहली मिस ट्रांस क्वीन, ये एक इवेंट हुआ था गुरुग्राम में. मिस ट्रांस क्वीन ये भारत की पहली बनी है, इनका नाम क्या है? ये कोलकाता की है, इनका नाम है निताशा बिस्वास. निताशा बिस्वास और लोई लोई हाउरोंग बाम, ये हैं मणिपुर की और ये हैं सेकंड नंबर पे, और तमिलनाडु की रगासिया हैं थर्ड नंबर पे. नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? नए इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा. ये देखिए इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है. तो पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे अचल ज्योति, वो बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो पोजीशन खाली हो गई, वो जगह भरी सुनील अरोड़ा ने. और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचल ज्योति है, एक इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है ओम प्रकाश रावत. वर्ल्ड बुक फेयर 2017, विश्व पुस्तक मेला, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज करा. ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये ऑर्गेनाइज हुआ देहरादून में, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत. त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं के के पॉल. इनमें से कौन सा देश है जिसने दुनिया का सबसे टफ प्लास्टिक बैग बैन अभी अभी लगाया है, यानी कि सबसे सख्त दुनिया का प्लास्टिक्स के ऊपर बैन लगा दिया है? कहने का मतलब अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो 4 साल की जेल और $40,000 का फाइन होगा. तो टोटल 40 और देश हैं जिन्होंने ये बैन कर दिया है. ये देश है केनिया. लेकिन इतना सख्त बैन किसने लगाया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पे 4 साल में जेल की सजा होगी? केनिया की राजधानी नैरोबी. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा एक MOU, इसमें हम एक इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड बनाएंगे. कौन से देश के साथ मिलके ये फंड हम बनाएंगे? इसराइल के साथ मिलके. ये भी पूछ सकते हैं इसका नाम क्या होगा. इस फंड का नाम होगा 14F, और इसराइल के साथ हम एक मिसाइल भी बना रहे हैं बैरक 8. इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन, और इसराइल की करेंसी है शकेल, राजधानी है जेरूसलम. तो ये थे इस हफ्ते के करंट अफेयर. मैंने काफी सारे सवाल पूछ लिए आपसे इस वीडियो के दौरान, सबका आंसर लिखिए कमेंट्स में, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.